राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन की मियाद फिर से बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग बेवजह सड़कों पर प्राइवेट वाहन लेकर निकल रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी अब सख्ती बरती गई है। जोधपुर में पांवटा चौराहे पर लॉकडाउन के बावजूद काफी हलचल देखने को मिली। सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों का जमावड़ा लगा रहा, जिसके बाद डीसीपी धर्मेंद्र यादव ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इस दौरान सभी लोगों को घरों से बाहर निकलने की वजह पूछी गई और जरूरी पास देखा गया। जिन लोगों के पास अनुमति पास नहीं था, उनके चालान कर वाहन जब्त किए गए। लगातार पुलिस की नाकाबंदी चल रही है और गाइडलाइंस और सख्त होते जा रहे हैं दिन ब दिन। प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब बंद है। अगर आप किसी निजी कार्य के लिए कोई बाजार से खरीदारी करने के लिए प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी अगर है और उसके वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तभी आपको व्हीकल अलाउड है। अदरवाइज आप अपने घर के आसपास के जो दुकानें हैं वहाँ से ज़रूरी सामान खरीदें। अननेसेसरी मूवमेंट करेंगे तो जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी है और इवन जो किराने के दुकान है वहाँ भी पुलिस की गश्त है। किराने के दुकान पे भी अगर कोई व्यक्ति मिल रहा है कि मोटरसाइकिल से या फोर व्हीलर से सामान खरीदने आया है तो वहाँ भी उसकी व्हीकल जब्त किए जा रहे हैं। कल जैसा आप लोगों ने देखा कि भारी मात्रा में व्हीकल्स जब्त किए गए हैं और जो मैरिज रिलेटेड गाइडलाइंस भी काफी सख्त हो गया है, उस पर भी रेगुलर चेकिंग और कार्रवाई चल रही है। कोरोना संक्रमण जितनी तेजी के साथ फैल रहा है, प्रदेश में हालात भी उतनी ही तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर वाहनों का यह जमावड़ा लोगों की लापरवाही को बयां करने के लिए काफी है। सरकार की ओर से लोगों से अपील की गई है कि घरों में रहकर कोरोना को खत्म करने में सहयोग करें, लेकिन लापरवाह लोगों पर सरकार की अपील का भी कोई असर नहीं हो रहा, जिसके चलते हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। बहरहाल पुलिस की ओर से लापरवाही बरतने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पंजाब के सी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।